एवरीवन, आइए देखते हैं इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में। आपके पर्सन आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर आप दोनों के बीच में लेस कांटेक्ट है, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं इस नो कांटेक्ट सेपरेशन की सिचुएशन में। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए? अपने पर्सन को थर्ड आई पर मैनिफेस्ट कीजिए, 3 बार उनका नाम लीजिए। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। आपके पर्सन का मैसेज ये है, अगर आप इनके साथ सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है, पहला तो ये, अगर आप इनसे मैरिड हैं तो ये अपने मैरिड लाइफ को आपके साथ मिस कर रहे हैं, फैमिली लाइफ को मिस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आपके पर्सन अगर आपके साथ किसी अदर तरीके के कनेक्शन में है, जहां पर आप अलग पार्टनर से मैरिड हैं, ये अलग पार्टनर से मैरिड हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि ये इस समय अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा बिजी हैं, ऑक्यूपाइड हैं, ठीक है। इनका इन्वॉल्वमेंट अपने हस्बैंड या वाइफ की तरफ, अपने बच्चों की तरफ ज्यादा है। तीसरा, अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में है, तो ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ आगे का फ्यूचर भी देखते हैं। इन्हें आपके साथ बेसिकली चीजों को कंप्लीट ही उस तरीके से करना है जहां पर आप एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बने और एक दूसरे के अदर हाफ बन के खड़े हों, ठीक है। ये आपके साथ कंप्लीशन फील करना चाहते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों की कंपेटिबिलिटी कमाल की है और आप दोनों साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इनका मैसेज है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए ये है कि बहुत जल्द आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड वे में रिटर्न आ सकते हैं या आ सकती हैं। एनर्जी में नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, आपकी लाइफ में तांग छाक करना, इसीलिए कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। ये आपको अनब्लॉक करें, सेपरेशन को एंड करें और आपकी लाइफ में वापस आकर आपसे कम्युनिकेट करें, कनेक्ट करें और चीजें ठीक करने की कोशिश करें। एकदम से आना हो सकता है, थोड़े टाइम के लिए आए क्योंकि एनर्जी टेम्प्रेरी दिख रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खुद को सोचकर, थोड़ा सा सेल्फिश रीजन से अपना मतलब या अपने कुछ आपको पॉइंट्स बताना, अपने अपडेट्स देना, इस तरीके की चीजें कर सकते हैं, लेकिन एकदम आएंगे, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। नेक्स्ट वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए ये है कि बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड, स्टेबल किस्म के इंसान हो सकते हैं, बहुत रिच हो सकते हैं, इनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत हाई हो, हाई क्लास हो। आपके पर्सन का मैसेज ये है कि आपके पर्सन आपको किसी मुकालते में नहीं रखना चाहते कि इन्होंने आपसे कुछ प्रोमिसेस कर दिए और ये निभा नहीं पाए। बेसिकली ये परमानेंट स्टेबिलिटी चाहते हैं और जब इनको लगेगा ये, तब आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आपके साथ रिश्ते को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके अंदर पोटेंशियल देखते हैं, ये खुद भी स्टेबल माइंडसेट के इंसान हैं। इवन ये ऐसे हैं कि अगर इनके घर में बिजनेस होता होगा या ये बिजनेसमैन है ना, तो ये वहां इन्वेस्ट करेंगे जहां पर स्टेबिलिटी है, जहां पर श्योरिटी है, ठीक है। ऐसी जगह नहीं जहां पर चले तो चांद तक, ना चले तो, बोलते ना, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, तो ये उस टाइप के नहीं दिख रहे हैं। ये आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड सोच के साथ आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, तो ये आपको कमिटमेंट भी ऑफर करना चाहते हैं। कमिटमेंट के साथ साथ यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये हो सकता है कि आपके बारे में दूसरों से डिस्कस करते हो, पता लगाने की कोशिश करते हो, या आपसे रिलेटेड डिस्कशन इनके घर में होता है, ठीक है। अगर आप लोग जानते हैं एक दूसरे को, जान पहचान है, इवन इनके कुछ कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कुछ कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनसे ये डिस्कस करते हो, और आप दोनों के बीच में कुछ कॉमनर्स हो जो आप दोनों के बीच का डाटा ट्रांसफर करते हो, ठीक है। इवन तो ये स्ट्रेटजीज के जरिए आप तक पहुंचना चाहते हैं, या तो ये डायरेक्टली आए या फिर ये किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करके इस रिश्ते में आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ब्रेक करें। नेक्स्ट इज हारोफेंट। आपके पर्सन अगर अनमैरिड है तो ये आपसे ट्रेडिशनल वे में शादी करना चाहते हैं, ठीक है। इनको चाहिए कि कोई इन्हें सही सुझाव दे और आपके साथ चीजों को बैलेंस आउट किया जाए। अगर ये आपसे ही मैरिड है और कोई लीगल सिचुएशन चल रहा है, तो किसी तीसरे को इन्वॉल्व करके एडवाइस के जरिए ये आपके साथ बहुत ही ज्यादा बुद्धिमानी से कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अब उनके लिए जो किसी, जिनके पार्टनर किसी और से ही मैरिड है, तो ऐसे केस में भी पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इस रिश्ते को चलाने के लिए भाई अलग तरीके का माइंडसेट होना चाहिए,
जिससे इनके अपने लाइफ में भी प्रॉब्लम्स ना आए और ये आपको भी मैनेज कर पाए। ठीक, नेक्स्ट एंड द लास्ट वी हैव द जस्टिस। आपके पर्सन इस रिश्ते में आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ भी अन्याय ना हो और इनके साथ भी ना हो। ना तो इन्हें ही लगे कि मेरे साथ गलत हो गया और ना आपको ही लगे कि आपके साथ गलत हुआ। जो भी है, दोनों की सहमति से चीजें होनी चाहिए और ये न्यायदाता हो सकते हैं। ठीक है, इनके हाथ में अभी भी इस रिश्ते की डोर है। ये चाहे तो आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को खत्म कर सकते हैं, ये चाहे तो चीजों को एज इट इज आगे लेकर चल सकते हैं। तो ये समझते हैं कि ये जवाबदेह है, इनको ही आंसर करना है इस सिचुएशन का। इवन ये हो सकता है कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक करते हैं और खुद को भी बुरा लगता है जब ये आपको इग्नोर करते हैं, या आपको इन्होंने कार्मिक वे में ट्रिगर दिया है, आपसे मूव ऑन हुए हैं। इवन एनर्जी है कि जैसे अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, कुछ अलग अलग चीजें पोस्ट करते हैं, तो इनको ट्रिगर्ड फील होता है। ये बहुत संदेह शक की नजरों से भी आपको देखते हैं कि आप किसी और की तरफ तो नहीं आ गए हैं, या आप देखिए खुद लापता है लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप किसी और की तरफ इंटरेस्टेड हों, या आपके ऊपर अपना अधिकार समझते हैं। और नोटिस करने की बीमारी आपके पर्सन को है, जज करने की आदत है इन्हें। ठीक है कि मौका मिले तो अपना पॉइंट रख दो, फिर ये इनकी एनर्जीज हैं। आपके पर्सन का मैसेज ये है कि आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं। डजंट मैटर आप दोनों के बीच में कितना झगड़ा होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, बट झगड़ेंगे और फिर भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। कितना ही झगड़ा हो लेकिन एक दूसरे के साथ रहना ही सबसे ज्यादा खुशी आपके पर्सन को देता है। एक दूसरे के बारे में सोचना, ये चाहते हैं कि आप इनके बारे में सोचो, और हो सकता है कि आप ये चाहते हो कि आप ये आपके बारे में सोचे, लेकिन आपके पर्सन को आपके साथ कंप्लीशन फील होता है और इसीलिए इनको रहता है कि देखूं जरा किससे बात कर रही है, किससे बात कर रहा है, क्या अपडेट्स हैं इसके। तो हो सकता है कि फेक अकाउंट से भी आपको स्टॉक करते हैं। आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया, अपनी मर्जी से किया, हो सकता है कि आपको तुरंत इमिडिएटली इन्होंने ब्लॉक भी किया, लेकिन आपके पर्सन बढ़ नहीं पाए आपके साथ आगे कुछ रीजंस की वजह से, और वही चीजें इनको दर्द और तकलीफ दोनों देती है। इनका आज भी मन करता है ये आपसे बात करें, आपको अपॉलोजी दें और कुछ चीजें आपसे क्लियर वे में कन्फेस करें, अपने सप्रेस्ड इमोशंस को आपके साथ सरफेस पर लाएं कि आखिर इनके मन में क्या क्या है और क्या चीजें ये आपको बताना चाहते हैं, जो चीजें हो सकता है उस वक्त ये आपको नहीं बता पाए थे। तो ये आपके पर्सन के मैसेजेस निकल के आए हैं नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में आपको लेकर। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।